जिस तरह से मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार की सारी पुलिस लग गई, डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे लग रहा था कि बिहार में कोई बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी घटना घट गई हो, मना करके और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो हत्या हो रही है, अपहरण करके हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, गैंगरेप हो रहा है, उस पर भी पुलिस को तत्पर होना चाहिए। वहाँ न्यूज़ फॉर सिटीज़न है हमारा चैनल, हम लोग पटना में, बिहार में, इवन अलग अलग राज्य, वहाँ की खबरें, वहाँ की जो भी चीज़ें फेमस है, इन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें। आप लोगों की मदद की आवश्यकता है, मदद आप दो रूप से कर सकते हैं। एक तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सदस्य बनें। दूसरा मदद ये है कि हमें बहुत सारे रिसोर्स की कमी है, जैसे माइक हो गया, कैमरा हो गया और भी तमाम चीज़ों की कमी है। यदि आप हमारी मदद करते हैं तो हम लोग एक सुचारू रूप से कार्य करेंगे। सर, मनीष जी कहीं ना कहीं जो एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बिहार और तमिलनाडु के बीच लड़ाने का काम किया है, जो कि बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस दोनों मिल करके उनको सर्च किया और पकड़ा है, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, पकड़ा है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से देखे होंगे, उसी समय एक लड़के का, हर्ष नाम के लड़के का, कि दानापुर में अपहरण कर हत्या हो गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है, मनीष जी बहुत लगातार लंबे समय तक बिहार वासियों का उठाते समस्याओं को, अगर कोई गलती हुई, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर पुलिस ने एकदम आतंकवादी की तरह था, उसी तरह से हम चाहते हैं क्रिमिनल क्राइम, जो क्राइम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी रहे पुलिस तत्पर। लेकिन एकदम मनीष जैसे लगा कि देश का बड़ा आतंकवादी है, इस तरह से उन पर भिड़ना, मेरे समझ से तो कहीं ठीक है। अगर वो गलती किए हैं तो वो अपने आप को सरेंडर किए हैं और वो अपना फेस कर रहे हैं, न्यायालय जो देगा वो फैसला है। लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार की सारी पुलिस लग गई, डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे लग रहा था कि बिहार में कोई बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी घटना घट गई हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि अगर मनीष कश्यप को इतना मतलब बड़ा अपराध मना करके और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो हत्या हो रही है, अपहरण करके हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, गैंगरेप हो रहा है, उस पर भी पुलिस को तत्पर होना चाहिए। वहाँ तो पुलिस तत्पर है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है। मैं कानून कोई भी उल्लंघन करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून को जो हत्या कर रहा है, अपहरण कर रहा है, अपहरण करके हत्या कर दे रहा है, उस पर कुछ नहीं सरकार कर रही है, जा भी नहीं रही है उनके यहाँ कुशलक्षेम पूछने, उसके परिवार से मुख्यमंत्री कभी किसी के यहाँ जाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। और मनीष कश्यप पर तो देखे कि ADG लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जैसे लग रहा है कितना बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया। सर, उन्होंने बिहार और तमिलनाडु के बीच कहीं ना कहीं लड़ाने का काम किया है, जो कि ये गैरकानूनी है। सर, गैरकानूनी है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि अगर गैरकानूनी है तो उनके ऊपर होना चाहिए कार्रवाई। कार्रवाई फेस कर रहे हो, न्यायालय निर्णय देगा। अभी देखिए, हम आप कुछ नहीं होते बनाने वाले, अब न्यायालय में गए हैं, अब न्यायालय उनको क्या देती है, तो होगा जो अगर गलती किए होंगे तो उनको सजा मिलेगी। सर, राहुल जी को लेकर के कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको निष्कासित कराया गया है, निष्कासित किया गया। अब देखिए, ये सब बात नहीं है। राहुल जी, आपको याद नहीं होगा, 13 या 14 में जब ये कानून बनने जा रहा था, तो किस तरह से अपने ही सरकार का अमेंडमेंट फाड़ने का काम किए थे, तो कानून की तरह काम हो रहा है। और उस पर ऐसा नहीं है, देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब नज़र है, न्याय मिलेगा उनको, जो होगा कानून के तहत काम हुआ है तो आनूनिक संबद्ध काम हुआ ना, वही तो इसको फाड़ने वाले थे, इस अध्यादेश को, ये तो देश से छुपा नहीं है। तो खैर, वो कानूनी बात है, वो हो रही है, अपना देख रहे हैं।